हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इससे पहले अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एग्ज़ाम दिया था तो हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके लिए भी बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये कट ऑफ हमने पूरी एनालिसिस के बाद बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं, ये एग्ज़ाम 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक हुआ था। इसमें क्या, इस एग्ज़ाम में एक दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ आई थी। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि जो मैथ था, मैथमेटिक्स भी बहुत टफ आया था। बाकी बच्चे ये भी कह रहे थे जो स्टैटिस्टिक्स था वो भी बहुत टफ आया था। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इस एग्ज़ाम में प्ले करेगी, ये आप देखना। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। सबसे पहले इस एग्ज़ाम में 30,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए सिर्फ 26,000 कैंडिडेट्स ही आए थे। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट रह सकता है आपके लिए। अब डिस्कस करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। ओपन मिनट का 85 to 90, RBA का 80 to 85, SC का 78 to 81, ST का 75 to 78, EWS का 80 to 82 और ALC वालों का 70 to 80, और जो बाकी कैटेगरीज हैं उनका 65 to 70 रह सकता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कितने पॉइंट्स आते हैं, उसी हिसाब से हम एक और एनालिसिस भी इस पे, एक और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक और वीडियो बनाएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।